नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूं तो मुख्यमंत्री आवास पर अक्सर पुलिस पहुंचती है सलामी ठोकने के लिए, लेकिन आज दिल्ली पुलिस के 50 पुलिसकर्मी 8 गाड़ियों में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तलाशी लेने के लिए। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, हार्ड डिस्क ले लिया गया। कहां तो पुलिस राज्यों के मुखिया के इशारों पर नाचती है, लेकिन ये दिल्ली है, दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में घुसी है, साहब को सलाम करने नहीं बल्कि अपराध के सबूत तलाशने के लिए। शुक्रवार की सुबह 11:35 पर दिल्ली पुलिस की टुकड़ी एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। मुख्यमंत्री आवास का चप्पा चप्पा छान मारा, जितने भी सीसीटीवी थे सबकी हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले ली। सर, कुल कितने कैमरों के डीवीआर सीज किए? 21 कैमरे। इसमें से कुछ कैमरे जो है ऐसे भी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कैमरा नोटिस में नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। रिकॉर्डिंग पार्ट हमें देखना है, कितनों की रिकॉर्डिंग चल रही है, कितनों की रिकॉर्डिंग अभी नहीं चल रही है। तो कितनों की रिकॉर्डिंग सर नहीं चल रही थी? 7। 7 की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। और क्या जो एक्चुअल टाइम है उसमें भी कुछ डिफरेंसेस आए सर? 40 मिनट 42 सेकंड का डिफरेंस है यहाँ के कैमरे की टाइमिंग, हम एक्चुअल टाइमिंग से पीछे हैं। तो ये सर बाई चांस है या आपको लग रहा है कि जांच में मिला है कि डिलिबरेटली किया गया है? ये फॉरेंसिक टीम बताएगी। दिल्ली पुलिस यहाँ 8 गाड़ियों से पहुंची थी। 2 घंटे तक पूरा सर्च ऑपरेशन चला। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर में ही थे। 11:35 पर जब दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास पर आई थी, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने इसी निवास स्थान में मौजूद थे। 8 गाड़ियों से दिल्ली पुलिस के तमाम जो टीम थी वो यहां पर आई थी, उनके साथ में फॉरेंसिक टीम भी थी। पुलिस यहां से 21 सीसीटीवी कैमराज को लेकर के गई और पुलिस का कहना है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी इस पूरे मुद्दे में मदद ले रही है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का चुनावी वायदा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि इनके खुद के घर में ही पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले। जो कैमरे थे भी उनमें से तो कई कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। ये पहला ऐसा मौका है जब मुख्यमंत्री के घर पुलिस आई। पुलिस आई तो थी सबूत ढूंढने के लिए मारपीट के, लेकिन ये गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती चली गई, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि 21 में से 7 कैमरे काम नहीं कर रहे थे और वो कमरा जहां पर बैठक हुई, जहां मारपीट हुई, वहां पर सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। तो अब देखना होगा कि यहां से आगे ये केस किस तरह से बढ़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को मीटिंग के लिए बुलाया था, वहां एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। और तो और, जो कैमरे केजरीवाल के घर से मिले उनकी टाइमिंग में खासा फर्क मिला। सभी कैमरे सही वक्त से 43 मिनट 42 सेकंड पीछे चल रहे थे। पुलिस की टीम ने 21 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो उन्हें पता लगा कि 7 कैमरे बंद हैं और जो कैमरे चल रहे हैं उनमें से सभी कैमरे 40 मिनट 42 सेकंड पीछे का टाइम शो कर रहे हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर ऐसा किया गया या फिर किसी टेक्निकल खराबी की वजह से कैमरे पीछे का टाइम शो कर रहे हैं। पुलिस के इस सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं। मुख्यमंत्री के घर में लगे 21 सीसीटीवी कैमरों में से क्या जानबूझकर 7 कैमरों को खराब किया गया? क्या जानबूझकर 7 सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग रोकी गई? क्या जानबूझकर मुख्य सचिव के साथ मीटिंग उस जगह पर रखी गई जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या जानबूझकर कैमरों की टाइमिंग वक्त से 42 मिनट 43 सेकंड पीछे की गई थी? ये कैमरे खराब नहीं थे, ये कैमरे बंद किए गए थे क्योंकि अपराध करना था और उसकी रिकॉर्डिंग ना हो ये चाहते थे। तो ये बहुत गंभीर मामला यहाँ पर बनता है कि इन कैमरों में खराबी नहीं थी, इनको ऑफ करके रखा गया था, इनकी रिकॉर्डिंग बंद करके रखी गई थी और बाकी जो चल रहे थे उनकी टाइमिंग चेंज की गई थी। तो बड़े सुनियोजित तरीके से पेशेवर अपराधियों की तरह ये काम किया गया था। दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद ही मुख्यमंत्री आवास से जुड़े अधिकारियों से सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क मांगी थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के सलाहकार ने अपने बयान में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट की पुष्टि कर दी। इसके बाद ही दिल्ली पुलिस ने आज मुख्यमंत्री के घर धावा बोल दिया।
वीके जैन की जो स्टेटमेंट आ गई वो भी इस पूरे मामले में एक अलग इस केस को दिशा दे दी है, क्योंकि वीके जैन ने अपनी स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि अंदर मारपीट हुई थी, और साथ साथ इस पूरे मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट है यानी जो CS यानी चीफ सेक्रेटरी की जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो भी कई खुलासे कर रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे में अब केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। इस पुलिस कार्रवाई पर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल आग बबूला थे। उन्होंने पहले तो ट्वीट बाण चलाया, फिर बोले कि जितनी तेजी इस थप्पड़ कांड में पुलिस ने दिखाई है उतनी ही तेजी जज लोया के केस में दिखाएं तो मानूं। जी इस पूरे मामले की जांच की जाए। जी मुझे बेहद खुशी है, जी जांच होनी चाहिए, सब हमारे लिए, लेकिन मैं जांच एजेंसी को कहना चाहता हूं। जी दीपक थोड़ा माइक माइक पे करना। जी अमित शाह से पूछताछ करने की भी हिम्मत दिखाएं। जी पिछले सोमवार की आधी रात केजरीवाल के घर पर दिल्ली के मुख्य सचिव के गाल पर पड़ा तमाचा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ रहा है। दिल्ली की सियासत में भूचाल सा आ गया है। केजरीवाल की एक तरफ BJP और कांग्रेस से तो दूसरी तरफ IAS लॉबी से भी ठन गई है। मीनाक्षी कांडवाल, मणिदीप शर्मा, चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अपने आवास पर सर्च ऑपरेशन की वजह से अरविंद केजरीवाल खासे बौखलाए हुए हैं। अपनी खींच उन्होंने एक रैली में निकाली, कहा कि यही पुलिस जब अमित शाह के खिलाफ जांच करनी हो तो चुपचाप बैठ जाती है। इधर उनके एक विधायक कह रहे हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए ऐसे अफसरों के साथ जो फाइलें रोकते हैं। मतलब पूरा कन्फ्यूजन है, एक नेता कुछ कहता है दूसरा कुछ और ही कह देता है, लेकिन इधर अफसर आज पहुँच गए PMO ये कहने के लिए कि ऐसे वातावरण में हम काम कैसे करें। अब इनको अफसरों को कुछ कह दो तो इनको बुरा लगता है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अंदर बैठ के मैं आपके लिए रोज लड़ता हूं, कभी अफसरों से लड़ता हूं, कभी BJP वालों से लड़ता हूं, कभी कांग्रेस वालों से लड़ता हूं। दिल्ली के थप्पड़ कांड का साइड इफेक्ट दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को मंच पर ले आया, जनता के सामने दुहाई दी कि वो जनता के लिए कभी BJP से लड़ते हैं तो कभी सरकार के अफसरों से। उत्तम नगर में आम आदमी पार्टी की रैली थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, विपक्ष और अफसरशाही को लानत भेजी, लेकिन केजरीवाल के विधायक नरेश बालियान का वीर भाव जाग उठा, अफसरों के साथ मारपीट को जायज ठहराने लगे, कहा कि जो भी अफसर ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे अधिकारियों को मारना चाहिए, ठोकना चाहिए, सही है कि नहीं? अगर तो आम आदमी के आंख की किसी फाइल को रोक के बैठा है, आम आदमी के काम को रोक के बैठा है, ऐसे अधिकारियों को यही आदत, यही सुलूक होना चाहिए उन लोगों के साथ। उधर दिल्ली के IAS अफसर थप्पड़ कांड के विरोध में PMO तक पहुंच गए। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर से मिलकर अफसरों ने अपनी बात रखी। 50 लोग इकट्ठे हो जाएं एक कमरे में रात के 12 बजे, एक समय बढ़ाओ ईशा, 11 लोग इकट्ठे हैं और ओवर पावर, मेंटली ओवर पावर कट, सो दैट ए पर्सन शुड बी ब्रोकन, इस तरह के हालात हैं जिसमें कि फ्री और फेयर क्या मतलब जो है सुन भी नहीं सकते। किस तरह पिछले 2.5-3 साल में दिल्ली सरकार में कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दबाव डाला जाता रहा है, किस तरह से अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई हैं, किस तरह कई अधिकारी जो पहले दिल्ली सरकार में काम करते थे उन्होंने ट्रांसफर ले लेना ठीक समझा। केंद्र सरकार के मंत्रियों ने IAS एसोसिएशन को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, साथ ही इस बात का भी भरोसा दिलाया कि उनके कामकाज में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने जल्द ही दिल्ली का संकट खत्म होने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास करना होगा। अधिकारियों के साथ हमने बैठ करके चर्चा की, वो पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री, MLA, MP और अधिकारी, इनका आपस में अच्छा तालमेल होना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे की गरिमा समझ के काम करना चाहिए था और यही देश के हित में रहता है। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए अदालत से भी बुरी खबर आ गई। पार्टी ने उम्मीद लगा रखी थी कि जेल में बंद उनके विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल की जमानत हो जाएगी, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। स्मिता ओझा, हिमांशु मिश्रा, आशुतोष के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। एक थप्पड़ की गूंज में सिमट गई है दिल्ली और दिल्ली की सियासत, और इसीलिए लगातार BJP ये कह रही है कि ये अर्बन नक्सलिज्म है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि मिलीभगत है ये सरकार की, पुलिस की साजिश है हमें गिराने की। बहुत खतरनाक लोग इस देश की सत्ता पे गलती से आ गए हैं,
35-35 गवाह जो लोग सहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में बदलवा सकते हैं, वो ये बीके जैन का 24 घंटे में भी बयान बदलवा सकते हैं। कानून अपना काम करे, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर वो हिंसक हो रहा है, वो अर्बन नक्सली की भूमिका में आ रहा है, वो प्रदेश को हर सेक्शन में तकलीफ दे रहा है, तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरुणा आसफ अली अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि मार पिटाई हुई थी। वीके जैन साहब कोर्ट में खड़े होकर अगर कहते हैं कि मैंने अपने चक्षुओं से देखा, तो गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी है? अरविंद केजरीवाल जी बताएं। देखिए, ये दिल्ली पुलिस है, मोदी जी के इशारे पे काम कर रही है। जहाँ पे वीडियो साक्ष्य अवेलेबल है, इमरान हुसैन को पीटा जा रहा जिसपे 3-3 MLC है, उस पर किसी तरीके की कोई जांच आज तक शुरू नहीं हुई। जहाँ पे सिर्फ एक आदमी का बयान है, और कानून की नजर में हर आदमी बराबर होता है, वो ना तो चीफ सेक्रेटरी होता है, ना ही मुख्यमंत्री होता है, ना ही चपरासी होता है, उसका सिर्फ बयान है जिसका कोई मेडिकल भी दिखा रहे। हमने 3 मेडिकल हमारे पास पड़े हुए हैं, आप उस 3 मेडिकल का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हो, एक आदमी का मेडिकल का कॉग्निजेंस ले रहे हो, तो दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है और गुंडों की दबाव में काम कर रही है। यूटी है दिल्ली, केंद्र सरकार का जिम्मेदारी भी है कि भाई यहाँ पे अगर कोई ज्यादती हो रही है, कोई लोकतंत्र को छोड़कर वहाँ पे अधिकारियों को दबाया जाता है, तो खामोश नहीं बैठ सकती ना सरकार। कि ये सब कुछ कोई दिल्ली पुलिस कर रही हो ऐसा मैं नहीं मानता, या खाली IAS अधिकारी ऐसा सब कुछ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं मानता। ये सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे चल रहा है, मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब ये एक ह्यूमिलिएट करने के लिए, एक अपमानित करने के लिए, एक दादागिरी दिखाने के लिए, और एक तानाशाह सरकार दुर्भाग्य से इस देश के अंदर है जो लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। हम स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। अरविंद केजरीवाल के घर 12 बजे रात में थप्पड़ मारे गए या फिर नहीं, ये तो तय नहीं हो पाया है, लेकिन बहस जरूर हुई और स्टूडियो में हुई और जमकर हुई, क्योंकि नेता ऐसे ऐसे पहुंचे थे तीनों पार्टियों से। देखिए क्या हुआ कि उसने बाहर आकर कह दिया कि मुझे पीटा गया, ऐसा क्या हुआ था? देखिए अगर ये नहीं हुआ था देखिए तो दो कक्ष आ रहे हैं, राशन कार्ड और बैठक बिना राशन कार्ड थी या विज्ञापन थे, जांच का विषय है। दोनों विधायक जिन पे आरोप लगे आज जेल में है, जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज छावनी बना दिया गया मुख्यमंत्री के घर को। इतिहास में कोई चुनाव में मुख्यमंत्री के घर एक पुलिस वाला भी झांक कर देख ले, मैं आपको कोई ऐसा उदाहरण दूं। की क्या दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल? किसी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी दिल्ली के लोगों से निभाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में इतना बहुमत कैसे दे दिया। राशन कार्ड नहीं मिल रहा, वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी राशन नहीं लेता, गरीब आदमी है। 2.5 लाख लोग पूछ रहे हैं राशन कार्ड क्यों नहीं दे रहे, अधिकारी को पूछ के गलती कर दी। सवाल ही नहीं समझ रही, मैं कह रही हूँ कि अमित शाह नहीं कह रहे कि मुझे पीटा, एक अधिकारी कह रहा है कि मुझे पीटा, इस अधिकारी की क्या दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल से? केजरीवाल से ये दुश्मनी नहीं, दिल्ली के जनता से दुश्मनी निभाई जा रही है। राशन कार्ड केजरीवाल को अपने लिए नहीं चाहिए। फिर से पूछ रही हूँ मैं आपसे, पूछिए, मैं फिर से पूछिए, ये बीजेपी या कांग्रेस अजय माकन नहीं कह रहे कि मुझे पीटा, एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे पीटा, इस तो जांच हो रही है, की क्या दुश्मनी हो रही है? दो विधायक जेल भेज दिए, जांच हो रही है, हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर को छावनी बना के सीसीटीवी 21 सीसीटीवी फुटेज वसूल कर करिए जांच, हम समर्थन कर रहे हैं। दो विधायकों को जेल सिर्फ 2 थप्पड़ पे भेज दिया, 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जस्टिस लोया की मौत साबित हो चुकी है कि हार्ट अटैक से नहीं जहर से हुई है, किसी ने हिम्मत की अमित शाह के घर में झांकने की? जवाब दीजिए नीतू शर्मा जी। अरे सुनिए, एक देश 50-50 लोगों के साथ वहां पैसे वालों के लिए, मंत्री वालों के लिए, सत्ता वालों के लिए, उन्होंने आम आदमी के लिए अलग कानून, मुख्यमंत्री के घर पर 50 लोगों की फौज ऐसे उतरी जैसे पता नहीं क्या निकाल लेंगे आप लोग वहां से, क्या मतलब ये पुलिस वाले 50 लोगों को घर के अंदर घुसने की जरूरत थी? मेरे ख्याल से 50 नहीं घुसे थे, अगर आप दोबारा देखेंगे तो कम थे, बाहर सिर्फ तैनात थे, क्योंकि जो मार पिटाई और जो माहौल बना रखा है दिल्ली में, कोई सामने आ जाए ठोक दो, मार दो, थप्पड़ मार दो, लात मार दो, घूसा मार दो, ये कोई नई चीज नहीं है। इन्होंने इमरान हुसैन का भी एग्जाम्पल दिया, गुरुवार मतलब कल शाम तक, अगर आपको पता है तो न्यूज रिपोर्ट्स ने ही कहा है कि ये जो सीसीटीवी की बात कर रही कि इमरान हुसैन को मारा गया, ये जो दिल्ली सरकार में जितने भी वहां पे जो कर्मचारी उन्होंने मारा है उसका सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दिल्ली पुलिस को तो दिया नहीं, तो कौन सी एफआईआर की बात कर रहे हैं? आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, जाके दिल्ली पुलिस को दे दीजिए, और अगर आप मुझे कंप्लीट कर दीजिए, आप अल्का जी क्यों अभी तक नहीं आए, आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए पूरी बात, सही थोड़ी है, अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही घर से सीसीटीवी फुटेज लिया जाता है, सचिवालय से क्यों नहीं लिया जाता जी? आई डिड नॉट, नूपुर जी को बोलने दीजिए अल्का, प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप घबराइए मत, जवाब दे रही हूं, घबराइए मत, मेरा भी सवाल पूरा ही नहीं हुआ, सवाल मेरा पूरा ही नहीं हुआ, आप जवाब क्यों दे रही हैं? सवाल तो सुन लो, सीआरपीसी
156(3) के तहत अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती तो कोर्ट कर सकता है, जाइए आपके पास तो जाएंगे पुलिस तो क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरा आरोप जब गृह मंत्री ने ट्वीट करके पहले ही कह दिया कि कौन कसूरवार है तो क्यों ना हम ये माने कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले से ही तय हो चुका है। एक माफी चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि अंशु प्रकाश जी इतने सीनियर अफसर हैं उनको क्या कुछ इनसे घृणा थी कि उन्होंने अपने मुंह पे थप्पड़ मारा? काम जवाब है, जवाब मैं दे चुका। तीसरी बात है, जवाब तो देनी चाहिए जज लोया की, कह रही है पॉइजन से डेथ हो गई। आप माफी चाहती हूँ, कौन से पेपर देख रही है इस कोर्ट के केस में? मैं खुद जज लोया की डेथ तो नेचुरल मैं तो वकील हूँ कर रही हूँ। जस्टिस लोया की आपकी अग्नि परीक्षा है, मुझे पता चला बीजेपी का साथ दे रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है और महात्मा गांधी ने तो कहा था कि जो अन्याय के खिलाफ नहीं होता वो अन्याय के साथ होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी के साथ अन्याय हो रहा है और जिस तरह से दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन है, 28 तारीख को बजट आना है और सारे आईएएस अधिकारियों ने ये निर्णय किया है कि वो किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे, केवल राइटिंग नोट्स में काम होगा, तो गवर्नेंस डेफिसिट के साथ साथ अब ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया है। मुझे बहुत खेद है इस बात का। लेकिन अंजना जी, मुख्य बात यह है कि जो मुख्यमंत्री स्वघोषित अराजक हो उसके विधायकों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल तब भी चुपचाप बैठे देख रहे थे जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाउंसर्स ने उठाकर मीटिंग से बाहर फेंका, वो तब भी चुपचाप बैठे देख रहे थे जब कपिल मिश्रा को विधानसभा के सदन से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उठाकर फेंका, वो तब भी चुपचाप देख रहे थे जब एक गरीब किसान गजेंद्र सिंह आत्महत्या करता है, उन्होंने जूता फेंक कर मारने वाले जर्नैल सिंह को टिकट देकर विधायक बनाया। नहीं, कहीं दूर नहीं जा रही हूं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मैं पूछना चाहती हूँ जिनको सवाल पूछना हो रहा है। दिल्ली में नुपुर एक मिनट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की टांग टूटी हुई है दिल्ली में। पिछले 3 साल से 3 लाख राशन कार्ड होल्डर, 19 लाख राशन कार्ड होल्डर हो गए हैं, तो 3 साल तक तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। अचानक से एक दिन इन्हें याद आता है कि बहुत क्राइसिस है और हम रात को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं। चीफ सेक्रेटरी जिस काबिल लेकिन अलका जी, आप लाइव शो में नरेश बालियान की बोली बोल रही हैं। बिल्कुल, वो कह रही हैं, मैंने ये कहा है, 8 महीने के बच्ची के साथ बलात्कार होता है, आपका खून न खुले खून पानी है, और खून खोलने को आप क्या कह रही हैं वो आपकी अपनी परिभाषा है। आज अभी साधु चरण महतो झारखंड के बीजेपी के विधायक ने अधिकार को पीट दिया है, देखती हूँ कितनी जल्दी गिराएंगे। तो दिल्ली पुलिस की पूरी टीम पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर पर और जिस तरह से छानबीन की गई, आम आदमी पार्टी के नेता तो राशन पानी लेकर पड़ गए दिल्ली पुलिस के पीछे। उनका ये कहना है कि पुलिस बाकी मामलों में तो जांच नहीं करती, हमारे यहाँ घर में पहुंच जाती है। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। जी हाँ, 14 फरवरी 2015 को शपथ लेते हुए केजरीवाल ने यह गाना पूरी दिल्ली को सुनाया था। इंसान से इंसान के भाईचारे का पैगाम लेकर केजरीवाल दिल्ली में सरकार चलाने चले थे। लेकिन ठीक 3 साल 5 दिन के बाद केजरीवाल के घर पर ऐसा कांड हुआ कि केजरीवाल के भाईचारे का पैगाम एक थप्पड़ की गूंज में दफन हो गया। इन 3 सालों में केजरीवाल ने इतनी दुश्मनियां मोल ले ली कि आज सियासत के चौराहे पर वो अकेले और बुरे फंसे नजर आ रहे हैं। एक थप्पड़ कांड ने उन्हें दिल्ली में बेगाना सा कर दिया।
केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है, एलजी खड़े हैं, आईएएस अधिकारी खड़े हैं और तो और केजरीवाल के अपने सलाहकार भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। थप्पड़कांड में केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि एक साथ सबके बुरे बन गए हैं। थप्पड़कांड में केजरीवाल के साथ इससे बड़ी कार्रवाई और क्या हो सकती है कि घर में पुलिस की पलटन घुस गई और दो दो विधायक तिहाड़ जेल पहुंच गए। ये सारा बवाल दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी यानी चीफ सेक्रेटरी के गाल पर थप्पड़ मारने से शुरू हुआ। हमने उपराज्यपाल से बोला है कि दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना कोई अधिकारी ना कोई जनता का आदमी, क्योंकि जिस तरह की गुंडागर्दी सरकार में हो रही है, चीफ सेक्रेटरी को रात को 12 बजे कमरे में बंद करके अगर मारा जाता है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, तो इससे भयानक कोई इंसिडेंट हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा में हो नहीं सकता है। ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस है। राष्ट्र की राजधानी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस एक तरीके से हो जाए, ऑफिसर्स की कहीं पर भी कोई डिग्निटी ना रहे, तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। हमने उपराज्यपाल महोदय से, सब लोगों ने मिलकर के ये प्रार्थना की है कि ऑफिसर्स की सिक्योरिटी सबसे पहले मुहैया कराई जानी चाहिए। गृह मंत्री जी से आईएएस जो ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बताया जैसे होते रहता है। इस घटना के बारे में सीएस साहब ने उनको बताया कि ये हुआ, उन्होंने सुना ठीक से। हमने भी बताया कि हमारे साथ भी ऑफिसों में बदतमीजी वगैरह कई बार ये लोग करते थे कार्यकर्ता। तमाचा आईएएस अफसर को पड़ा है, लिहाजा आईएएस एसोसिएशन इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहती। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक आईएएस लॉबी एकजुट हो गई, मुख्य सचिव के साथ हाथापाई और बदसलूकी के इस मुद्दे को लेकर आईएएस एसोसिएशन ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। आईएएस एसोसिएशन ने इस मामले को संवैधानिक संकट करार दिया है। हमारे हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, हमारे चीफ सेक्रेटरी पर कल रात जो हमला हुआ है, उसकी वजह से हम लोग सब बेहद आहत है एंड वी ऑल फील कि दिस इज एन अटेम्प्ट टू इंटिमिडेट द ब्यूरोक्रेसी इनटू फॉलोइंग द लाइन। आईएएस अफसरों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और केजरीवाल के विधायकों पर तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन कल इमीडिएटली शुरू कर दिया था। उसमें से एक एलिज्ड को डिटेन किया गया था रात में और उसके बाद गिरफ्तार कर किया गया। मुख्य सचिव के गाल पर पड़े कथित थप्पड़ की गूंज ने आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार को हिला दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद सचिवालय में हुई मारपीट पर भी सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मुख्य सचिव का लाल हुआ गाल तो सबको दिख गया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की जो पिटाई हुई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसीलिए एक्शन के रिएक्शन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर धावा बोल दिया। हम देश के गृह मंत्री से सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक देश में दो कानून है क्या, कि एक में एफआईआर दर्ज होकर दो विधायकों को आज जेल भेज दिया गया और वही दूसरी ओर दिल्ली सचिवालय में सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए किन लोगों ने मदद की उन गुंडों को अंदर भेजने में, जिन्होंने मंत्री इमरान हुसैन और आशीष खेतान के ऊपर, उनके कर्मचारियों के ऊपर हमला किया। थप्पड़ कांड में जो कुछ चल रहा था उसमें आग में घी का काम खुद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने कर दिया। वीके जैन ने बताया कि उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के दो विधायकों ने चीफ सेक्रेटरी के साथ बदसलूकी की। उन्होंने देखा कि इस धक्का मुक्की में चीफ सेक्रेटरी का चश्मा जमीन पर गिर गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मूक दर्शक बने रहे। आम आदमी पार्टी इस वक्त थप्पड़ कांड के उस दलदल में फंस गई है जहां से ना तो निकलते बन रहा है और ना ही उसमें रहते बन रहा है। आज तक ब्यूरो। थप्पड़ कांड का पूरा सच ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल के घर पर आखिर हुआ क्या था उस रात? सवाल यही है कि क्या आधी रात की सच्चाई पूरी तरह से सामने आ रही है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को केजरीवाल के घर बुलाने के लिए चार बार फोन किया जाता है। बताया जाता है कि कुछ मुद्दों पर बात करनी है और आधी रात को अंशु प्रकाश सीएम हाउस पहुंचते हैं, जहां पहले से ही 10-11 विधायक मौजूद थे। अंशु प्रकाश का आरोप है यहां उन पर आपके एक विज्ञापन को पास कराने का दबाव डाला गया। जब वो मना करके जाने लगे तो दो विधायकों ने उन्हें कंधे पर हाथ रखकर वहीं बैठा दिया। दोबारा उठे तो गाल पर जोर से थप्पड़ मारा, पीठ पर घूंसे मारे और गालियां दी गई। वहीं आप विधायकों ने कहा कोई हाथापाई नहीं की गई है,
उन्हें राशन वितरण प्रणाली को लेकर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। सवाल पूछने पर वो भड़क गए। उन्होंने जाति सूचक शब्द भी कहे। चीफ सेक्रेटरी झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन बोला आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते हैं आप। तो बोला भाई आप क्यों नहीं बात कर सकते हैं भाई, आप इस ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, एक तरह से आप इससे सारी ब्यूरोक्रेसी चलती है, सारा सिस्टम चलता है, तो आपको नहीं, जब आप कहीं नहीं सुनता आपसे ही कहेंगे हम। तो इसी में थोड़े हीटेड आर्गूमेंट हुआ। बोला नहीं मैं जा रहा हूं, मैं एलजी साहब के लिए जिम्मेदार हूं। इस मामले में केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि चीफ सेक्रेटरी का चश्मा जमीन पर पड़ा था और वो बदहवास लग रहे थे। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।